जहानाबाद जिले के सिद्धार्थ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहानाबाद के सचिव संजय कुमार के नेतृत्व में नए सत्र 2022-2024 के छात्र छात्राओं का परिचय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर सिद्धार्थ ट्रेनिंग कॉलेज के सचिव संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलेज के बीएड के छात्र छात्राओं ने नए सत्र में अपना नामांकन करा शिक्षक बनने की कार्य शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है और शिक्षक बेहतर गुणवत्ता हासिल कर समाज के बेहतर दिशा प्रदान करें, यही हमारी कामना है। इस सत्र में प्रदेश के अरवल, जहानाबाद, पटना सहित कई जिले के छात्र और छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बेहतर समाज का निर्माण करना हमारा कर्तव्य होगा। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। शादीशुदा हैं बच्चे, हर चीज़ में तो कठिनाई तो आती ही है, लेकिन हर कठिनाई को साइड में करके खुद के लिए आगे कुछ करना बहुत ज़रूरी लगता है। जैसे कि अभी शादी हो गया, बच्चा है, तो सबको एक मतलब लिमिट के अनुसार अपना हर काम को एक अच्छे से देख करके और अपना पढ़ाई आगे जारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका कुमारी है। घर ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पहली प्राथमिकता यहाँ के बच्चों को रहती है सिद्धार्थ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, खासकर छात्रों के। इसलिए आप देख रहे हैं कि छात्राओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छी पहल है सरकार की। कंबाइंड टेस्ट लेने से अच्छे क्वालिटी आते हैं बच्चे टेस्ट में, पहले भी अच्छे आते थे लेकिन उससे ज़्यादा रिफाइंड अच्छे क्वालिटी के, और सारे के नंबर 90% प्लस ही हैं, 80-85-90 प्लस सब जिनका मार्क्स आया है इन्हीं का यहाँ पर चयनित हुआ। विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप से हम इन लोग से अनुरोध करते हैं, सबको भी कहेंगे कि आप रेगुलर क्लासेस कीजिए, क्योंकि आप समाज को पढ़ाने जा रहे हैं, समाज का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे बीएड करने के बाद। तो आप जब खुद रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, तो ही आप अच्छे से नए ढंग से समाज का निर्माण कर सकते हैं। किया जा रहा है, क्या कुछ विशेष है? देखिए, बीएड सत्र 2022-24 सिद्धार्थ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एम कॉलेज श्रीराम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का संयुक्त रूप से सत्र प्रारंभ है, इंडक्शन मीटिंग है। इसमें सारे बच्चे जो है एडमिशन सारे काउंसलिंग से बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके द्वारा चयनित बच्चे भेजे गए हैं, और इन लोग का पठन पाठन की प्रक्रिया सत्र 22-24 के लिए शुरुआत की गई। आज हम बच्चों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंडक्शन उनको बता रहे हैं, बीएड क्या है, क्या इनका सिलेबस है, कितने वर्षों का पाठ्यक्रम है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे करना है, लेसन प्लान कहाँ करना है, ट्रेनिंग कहाँ करना है, ये सारे विषयों पर इनसे हम पूरे दिन चर्चा करेंगे, इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया है। एक सवाल और है, लोकल कितने बच्चे और बाहर के कितने? कुछ बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम समझते हैं कि आपको हम आप कैमरा जब उधर करेंगे फ्लिप करेंगे तो मैं बच्चों से पूछता हूँ जहानाबाद के कितने लोग हैं, हाथ उठा दे जहानाबाद अरवल के, तो आप सवाल का जवाब सीधा मिल जाएगा। हम लोग फिर ये अपॉर्चुनिटी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डिस्ट्रिक्ट में जो सड़क जो बाहर बीएड करने के लिए जाते थे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बीएड कर रहे हैं, और इसका इससे हम लोग सब फलीभूत हो रहे हैं। और हम लोग बीएड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी समाज में एक टीचर्स माने आदर्श शिक्षकों की कमी है, और वो अच्छे से गाइड बच्चों को कर नहीं पा रहे हैं, और जो बच्चा है वो देश का भविष्य होता है। तो हम लोग फिर से इस तरफ से बीएड करके और आगे बच्चों को आगे इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ से हम लोग पहले खुद सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या बीएड में होता है, कैसे बच्चों को टीच किया जाता है, कैसे बच्चों को गाइड किया जाता है, और फिर से हम लोग बच्चों को आगे से गाइड करेंगे, और इस तरह से अपने देश के लिए अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगे, और वो आगे देश के लिए भविष्य का काम करेंगे, और आगे वो देश को आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं पीजी में किया हूँ, और पीजी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर ट्रेनिंग करना, और टीचर का ट्रेनिंग करके एज ए टीचर के रूप में मुझे काम करना। कहाँ से रहने वाले? मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का समर्थ विधायक गाँव है प्रसिद्ध थाना के।